दोस्तों, पक्षी बहुत ही प्यारे और खूबसूरत होते हैं, जिनमें हमें अलग अलग रंग और प्रकार देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत पक्षी मोर की कुछ अनदेखी और अनोखी प्रजाति लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत होने वाली है। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। ग्रीन पीकॉक। ग्रीन पीकॉक खासकर साउथ एशिया में पाए जाते हैं। ये दिखने में हरे रंग के होते हैं। इसका 80% हिस्सा ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसे ग्रीन पीकॉक कहा जाता है। ग्रीन पीकॉक की साइज 1 से लेकर 3 मीटर तक बढ़ती है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें पालना भी पसंद करते हैं। ग्रीन पीकॉक खास तौर पर उत्तर पूर्वी भारत, उत्तरी म्यांमार, दक्षिणी चीन, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया आदि देशों में पाया जाता है। अपने पंख फैलाने के बाद ये काफ़ी आकर्षक नज़र आते हैं। आपको बता दें, ये पीकॉक इंडियन ब्लू पीकॉक से मिलता जुलता है, बस दोनों का रंग और प्रजाति अलग होती है। ये पक्षी खाने में फूल, पौधे, इंसेक्ट आदि चीज़ों को खाते हैं। ये पीकॉक जमीन पर ही घर बनाते हैं और उस पर ही अंडे देते हैं। वाइल्ड पलावन पीकॉक। मोर की प्रजातियों में ये मध्यम आकार के होते हैं। ये पक्षी फिलीपींस की दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पलावन आइलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के पक्षी के नर के पंखों का रंग नीला होता है, जबकि पूंछ वाला हिस्सा काला, जिस पर नीले रंग के गोल गोल निशान बने होते हैं, जबकि मादा का कलर सामान्यतः भूरा होता है। ये अपने पंखों को फैलाकर मादा को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। इसकी आंखों का कलर लाल होता है, जबकि आंखों के नीचे वाला हिस्सा सफ़ेद होता है। इस प्रजाति की मेल की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि फीमेल की हाइट 16 सेंटीमीटर तक होती है। आपको बता दें, वाइल्ड पलावन पीकॉक लगभग 15 सालों तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। इस प्रजाति की पीकॉक की पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं आया है। वाइट ब्लू पीकॉक। इस मोर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह की पीकॉक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये मोर सफ़ेद और नीले रंग का मिश्रण लगता है, जो कि दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इसकी गर्दन सफ़ेद और नीले रंग की होती है, और इनके पंख सफ़ेद और ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन वाला मोर आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। एशियन पीकॉक। इस पक्षी को तो आप जानते होंगे, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पक्षी पंख फैलाकर नाचता है, तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरे से जड़ित शाही पोशाक पहनी हो। इसलिए इस मोर को पक्षियों का राजा कहते हैं। नर मोर मुख्य रूप से नीले रंग की आकृति, जिस पर रंगीन आंखों की तरह चित्ती बनी होती है, जबकि मादा में पूंछ का अभाव होता है। यह मुख्य रूप से खुले जंगल या खेतों में पाए जाते हैं, जहां उन्हें चारे के लिए बेरीज, अनाज आदि मिल जाता है। लेकिन यह सांप, छिपकलियों, चूहे और गिलहरी वगैरह को भी खाते हैं। वन क्षेत्रों में अपनी तेज आवाज के कारण यह आसानी से पता लगा लिए जाते हैं, और यह लंबे पेड़ों पर बसेरा बनाते हैं। आपको बता दें, यह पक्षी समूहों में रहना पसंद करते हैं। इसकी गर्दन पूरी तरह से नीले रंग की होती है। सिल्वर पीट पीकॉक। मोर की इस प्रजाति की खोज 1992 में USA ने की थी। इनके शरीर का अधिकतर हिस्सा वाइट कलर का होता है, जिसमें 20 से 30% अलग कलर होता है। इसका आकार इंडियन ब्लू पीकॉक के समान ही होता है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, खासकर जब ये अपने पंखों को फैलाता है, तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। द ग्रेट आर्गूस फैजंट। यह पक्षी आपको बोर्नियो, सुमात्रा और मलय पेनिनसुला आदि देशों के ट्रॉपिकल वर्षा वनों में प्राकृतिक रूप से देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, इस पक्षी का भोजन मुख्य रूप से फल, बेरीज, सीड्स, पेड़ों की पत्तियां आदि होती है। नर प्रजाति की पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को फैलाकर गोलाई नुमा बना लेती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नर प्रजाति की पूंछ की साइज मादा के आकार की तुलना में बहुत लंबी होती है। इसका रंग
हल्का गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसे गोल्डन पीकॉक भी कहा जाता है। जब ये अपने पंखों को खोलते हैं तो इनकी असली खूबसूरती का पता चलता है, जो कि दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं। पर्पल पिंक पीकॉक, ये पीकॉक दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इसे गर्दन के नीचे का हिस्सा पर्पल पिंक कलर का होता है, जबकि इसके पंखों का कलर ग्रीन होता है। इसकी पूंछ में गोलाकार डिजाइन बनी होती है, जो कि पिंक कलर की होती है। ये बहुत ही रेयर होती है। वाइट पीकॉक, वाइट पीकॉक दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जब यह अपने पंखों को फैलाते हैं तो लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वाइट पीकॉक अधिकतर भारत में ही पाए जाते हैं। सफ़ेद मोर अन्य मोरों से अलग नहीं है, यह एक विशेष मोर है। अनुवांशिक भिन्नता के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। आपको बता दें, वाइट पीकॉक की आंखें नीली और त्वचा रंगीन होती है। इनकी सफ़ेद रंग के कारण यह बहुत ही दूर से दिखाई दे जाते हैं। वैसे आपको बता दें, वाइट पीकॉक पूरी दुनिया में बहुत ही रेयर एनिमल में शामिल है। वाइट पीकॉक आपको भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाएंगी। जब ये पीकॉक अपना पंख फैलाता है तो वह नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। रेड पीकॉक, रेड पीकॉक बहुत ही रेयर होते हैं। इसके गर्दन के नीचे का हिस्सा लाल कलर का होता है, जबकि इसकी पीठ का कलर पर्पल होता है। इसके पंखों पर गोल गोल जो डिजाइनें होती है वो रेड कलर की होती है। ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। कैमियो ब्लैक शोल्डर पीकॉक, कैमियो ब्लैक शोल्डर पीकॉक के गर्दन के नीचे का हिस्सा ब्लैक कलर का होता है। जब यह अपने पंख फैलाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, तो ये काफ़ी आकर्षक लगते हैं। ये खाने में फल पत्ती और छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाना पसंद करती है। यह पक्षी इतनी सुंदर है कि यह किसी को भी अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर सकती है। इसके पंख हल्के सुनहरे रंग के होते हैं। कॉन्गो पीकॉक, ये पक्षी अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी पूंछ छोटी और गोल होती है। इसके सिर पर सफ़ेद रंग का क्राउन होता है। इनका स्वभाव शांत और ह्यूमन फ्रेंडली होता है। आपको बता दें, कॉन्गो पीकॉक अफ्रीका का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका शिकार करना वहाँ पर गैरकानूनी है। इस पक्षी की गर्दन ऑरेंज कलर की होती है और गर्दन का नीचे वाला हिस्सा नीले और काले रंग की होती है। इसके पीठ का रंग अमूमन हरा होता है। इस खूबसूरत कॉन्गो पीकॉक की लेंथ की बात करें तो ये 64 से 70 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इन पक्षियों की खाने की चीज़ों पर गौर करें तो ये लगभग सारे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं और इसी के साथ साथ ये पौधे भी खाना पसंद करते हैं। इसे कॉन्गो बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रे पीकॉक फैजंट, ग्रे पीकॉक फैजंट म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी लंबाई 78 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। आपको बता दें, इसका पूरा शरीर ग्रे कलर का होता है, जबकि इसके पंख ब्लू और पर्पल कलर का होता है। ग्रे पीकॉक बड़े ही डिलाइट किस्म के होते हैं। ये तकरीबन 76 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। ये खाने में छोटे छोटे कीड़े, फल पत्ते आदि खाना पसंद करते हैं। अगर हम इस पक्षी को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ ग्रे कलर के न होकर इनमें बहुत से रंग छुपे होते हैं। इन्हें खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा मोर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार, ये वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।